कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के सभी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात बताई है। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि हमें कल जानकारी मिली कि बैंक हमारे द्वारा जारी किए जा रहे चेक का सम्मान नहीं कर रहे हैं। आगे की जांच करने पर हमें पता चला कि यूथ कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते भी सीज कर दिए गए हैं। इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी है। हमारे खातों में क्राउड फंडिंग का पैसा फ्रीज कर दिया गया है। चुनाव से ठीक दो हफ्ते पहले जब विपक्ष के खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं तो ये लोकतंत्र को फ्रीज करने के बराबर है। हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इश्यू कर रहे हैं वो बैंक उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। हैरानी की बात यह है कि जब दो हफ्ते केवल या हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा तो हास्यपद है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी है, 210 करोड़ की कुल रिकवरी। और यह पैसा किसका है? यह कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉरपोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉरपोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। ये पैसा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है उसका पैसा पड़ा हुआ है। लगभग 25 करोड़ रुपया हमारा इकट्ठा हुआ है जो हमारे देश के अंदर, जिसमें 95% से भी ज्यादा पैसा 100-100 रुपए से भी कम यूपीआई से लोगों ने जमा कराया है। यूथ कांग्रेस का जो पैसा है, यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव का पैसा है और वो पैसा इनकम टैक्स ने, भारत सरकार ने फ्रीज कर दिया है। हैरानी और दुख की बात है। और दूसरी तरफ जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स का पैसा, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास में वो पूरा पैसा है और उसको वो खर्च कर रही है, तो लोकतंत्र कहां पे हमारे देश के अंदर जिंदा रहेगा? मैं इसलिए आज आपको बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं दुख से कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र पे बेड़ियां लग गई हैं, लोकतंत्र पे तालाबंदी हो गई है। ये कांग्रेस के अकाउंट के ऊपर तालाबंदी या बेड़ियां नहीं है, ये लोकतंत्र के ऊपर तालाबंदी और बेड़ियां हैं। चुनाव से दो हफ्ता पहले अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट जब फ्रीज हो जाते हैं, उसके ऊपर तालाबंदी हो जाती है, तो ये लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा चिंता और दुख की बात नहीं हो सकती। क्या हमारे देश के अंदर एक पार्टी का ही सिस्टम रहेगा? क्या हमारे लोकतंत्र के अंदर वन पार्टी पॉलिटिक्स हमारे देश के अंदर रहेगी? बाकी सभी के सभी पार्टियों के अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे? बाकी पार्टीज को क्या रहने का अधिकार नहीं है?